हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। फॉर्मूला एफ इक्वल टू सिग्मा फाई के एप्लीकेशन पर ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। आज मैंने पाथफाइंडर से एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ली है। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, ए हाफ सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड लेंथ कैपिटल एल विच इज़ मच मच ग्रेटर देन द रेडियस इज़ फॉर्म्ड बाई कटिंग ए सिलिंड्रिकल पाइप मेड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल अलॉन्ग ए प्लेन कंटेनिंग इट्स एक्सिस। द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ हाफ सिलेंडर इज क्लोज्ड बाई ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ टू आर। ए चार्ज कैपिटल क्यू ऑन द हाफ सिलेंडर एंड ए चार्ज स्मॉल क्यू ऑन द डाइलेक्ट्रिक प्लेट आर यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट एंड द हाफ सिलेंडर इज क्लोजेस्ट टू। यानी यहाँ पे अपने को एक हाफ सिलेंडर दिया हुआ है जिसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट दी हुई है जिसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डाइलेक्ट्रिक प्लेट हाफ सिलेंडर को जस्ट क्लोज कर रही है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक प्लेट की विड्थ सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है। अपने को इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पता करना है, तो चलिए अपन ये फोर्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ सिलेंडर और डाइलेक्ट्रिक प्लेट का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है। डाइलेक्ट्रिक प्लेट पर स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जबकि हाफ सिलेंडर पर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डाइलेक्ट्रिक प्लेट एक प्लेन सरफेस चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन अपन ये लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू सिग्मा फाई। यहाँ पे सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, डाइलेक्ट्रिक प्लेट पर टोटल चार्ज है क्यू और इसका टोटल एरिया है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ तो एल के बराबर है, विड्थ टू आर के बराबर है, तो एरिया हो जाएगा टू आर एल। तो अपने को सिग्मा मिल गया है। फाई होगा फ्लक्स थ्रू द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, फ्लक्स थ्रू डाइलेक्ट्रिक प्लेट ड्यू टू हाफ सिलेंडर अब सिलेंडर की वजह से डाइलेक्ट्रिक प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा ये पता करने के लिए अपन सिलेंडर की सरफेस पर एक लाइन चार्ज कंसिडर करते हैं। यानी मैं सिलेंडर का एक छोटा सा एलिमेंट लूँगा, ये एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है लेकिन ये सिलेंडर की सरफेस के अलोंग एल लेंथ तक एक्सटेंडेड होगा, तो ये एक लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो मैं ये एलिमेंट ले लेता हूं, और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर चारों तरफ पॉइंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इस टाइप से दिखा सकते हैं, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में चारों तरफ अवे फ्रॉम द एलिमेंट पॉइंट कर रहा होगा। वायर के चारों ओर 360 डिग्री एंगल के अंदर जो टोटल फ्लक्स आपका एग्जिट हो रहा है वो हो जाएगा इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज। वायर पे चार्ज को मैं DQ से डिनोट कर देता हूँ, तो वायर पे टोटल चार्ज हो गया DQ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स चारों तरफ एग्जिट हो रहा होगा। अब इसमें से कितना फ्लक्स डाइलेक्ट्रिक प्लेट से पास हो रहा है इसके लिए अपन डाइलेक्ट्रिक प्लेट के दोनों एंड्स को इस वायर से ज्वाइन करेंगे। इस एंड को ज्वाइन कर देता हूँ वायर से और इस एंड को भी वायर से ज्वाइन कर देता हूँ। तो चूंकि ये एक राइट एंगल बन जाएगा, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा।
अब 360 डिग्री एंगल के अंदर टोटल फ्लक्स जा रहा है ये, तो 90 डिग्री एंगल में कितना फ्लक्स जाएगा, ये हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इस एलिमेंट की वजह से डाइलेक्ट्रिक प्लेट से इतना फ्लक्स पास होगा। अब इस पूरे हाफ सिलेंडर की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा उसके लिए अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 1/4 डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू, ये इस हाफ सिलेंडर पे टोटल चार्ज हो गया जो कैपिटल क्यू के बराबर है, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी हाफ सिलेंडर की वजह से डाइलेक्ट्रिक प्लेट से इतना फ्लक्स पास होगा। तो अपन ने फाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, अब सिग्मा और फाई दोनों की वैल्यू अपन फोर्स के एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो फोर्स ही आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 RL इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन ये लिख सकते हैं कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट RL, तो ये अपना आंसर होगा।